अच्छी लग रही है ना, चलो यहाँ से दिखा ये देखो, अरे साथ के देखो, चलो पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई पढ़ सकता है क्या? अच्छी लग रही है मेरी मेहंदी, मेहंदी लग रही है। अभी तो हम खाना भी नहीं खाए हैं, 9:30 बज गए हैं, रात के 9:30 बज गए और अब तक हम खाना नहीं खाया। रात के बज गए 9:30 बज गए, मैं अभी सो चुकी है और अभी तक हमारा खाना बना भी नहीं है, मतलब सब कुछ रेडी है, खाली दाल के और बनाना ही है, तो सिंपल सा खाना। तो आप लोग बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे करवा चौथ की, और कहीं ना कहीं मैं भी तैयारी कर रही हूँ करवा चौथ की। वैसे तो मैंने कोई गिफ्ट लिया नहीं है इस बार, मेरे पतिदेव से छोड़ दिया है बिल्कुल, बिना गिफ्ट लिए ही। मैंने सोचा चलो रहने दो, इस बार कोई गिफ्ट नहीं लेते हैं, पर कोई ना, मैं इस बार का गिफ्ट और अगले कुछ भी जो आएगा ना फेस्टिवल, उसका गिफ्ट दोनों को मिला के एक साथ ही बहुत बड़ा गिफ्ट लेने वाली हूँ। इसलिए मैंने कहा कि भाई रहने दो, आप सस्ते में तो लड़ जाओ, तो सस्ते में मैंने उनको सुलटा दिया, मतलब मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया है। तो गाइज मैं क्या टॉपिक पे बात कर रही थी, करवा चौथ है ना, तो अभी करवा चौथ आने वाली है, तो आप सबकी तैयारी चल रही होगी, तो क्यों ना मैंने एक छोटी सी तैयारी करी है, मतलब वो तो सब लोग ही करते हैं, पर मुझे करवा चौथ पे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेहंदी लगवा लूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवाई है और मेरी मेहंदी सच में ही बहुत सुंदर लगी है। क्या आप लोग देखना चाहते हो मेरी मेहंदी, कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, जल्दी से बताओ, कमेंट करना जरूर, और आप मेरी फैमिली के सदस्य बन जाओ यार, क्यों मुझे अनसब्सक्राइब करके भाग रहे हो, ऐसे मत भागो यार, मेरी फैमिली बनो, आप मेरी एक फैमिली हो यूट्यूब पे, जहाँ मैं आपको हर चीज़ अपनी शेयर करती हूँ, और नहीं भी करती होंगी तो आगे से नेक्स्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या वो कुछ भी होगा वो एक फैमिली को अपन शेयर करते हैं, तो एटलीस्ट आप मेरी एक फैमिली हो, तो आप लोग प्लीज़ यार प्यार दो अपना, क्या ऐसे प्यार नहीं देते यार आप लोग। तो गाइस क्या कह, किस टॉपिक पर बात कर रही थी, हाँ मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा स्लिप हो गया था। तो मैंने भी मेहंदी लगवा ली है, जैसे आपने भी लगवा ली होगी और मैंने भी लगवा ली है, पर मेरी मेहंदी थोड़ी सी लेट लगी है, तो इसलिए मैं थोड़े से वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है अभी, तो हमने खाना भी नहीं खाया है और टाइम हो गया 9:30, रात के बहुत लेट हो गया है, तो गाइस खाना तो खाया ही नहीं अभी तक, तो बस मेहंदी दिखा देती हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करती, अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ, तो देखोगे मेरी मेहंदी, देखो चलो ये देखो सुंदर लग रहा है। ये कौन है, ये तो अरविंद है ना, इस साइड में, और इस साइड में पूजा है, दिख रहा है, इस साइड अरविंद है, इस साइड पूजा है, और यह हमारा चांद है, दिख गया आप लोगों को, तो देख लो अच्छे से, ये पूरी मेरी मेहंदी है, आप लोग बताना कमेंट करके कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये देखो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। देखो पीछे का भी बहुत सुंदर डिजाइन बनाया इन्होंने, तो जिन्होंने बनाया उनको मेरी तरफ से थैंक यू। वो अभी तो जा चुकी है, नहीं मैं उनको आप लोगों को दिखाती, उन दीदी को, पर वो गई, उनको क्या है आज रात की 11:30 बजे तक बुकिंग है, तो अभी वो जा चुकी है, 3 दिन से वो मेहंदी लगा रही है यहाँ पे, और इनकी बुकिंग इतनी ज़्यादा है कि ये सुबह से निकली हुई थी, खाना भी इन लोगों ने नहीं सुबह का खाया था, और अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, तो उनकी इतनी बुकिंग है कि 11:30 बजे तक बुकिंग है, पर थैंक गॉड मुझे जल्दी मेहंदी लग चुकी, 11:30 बजे तक मैं तो वेट नहीं करने वाली थी, और मेरी मेहंदी चलो दूसरे हाथ की दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो दूसरे हाथ में मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया है आप रीड कर सकते हो, क्या रीड कर सकते हो तो पढ़ लो, बाकी ये मेरी मेहंदी है सेकेंड हैंड की, और ये मेरा बैग है, कितना सुंदर लग रहा है ना दोनों, अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं करवा चौथ पे ही बहुत अच्छी मेहंदी लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा फेस्टिवल ही करवा चौथ लगता है, वैसे तो दिवाली भी लगती है, पर करवा चौथ कुछ होता है ना, पति से गिफ्ट मिलता है, पर इस बार मैं तो ले नहीं रही, आपको बता ही दिया, तो करवा चौथ सबसे बेस्ट फेस्टिवल लगता है मेरे को, थोड़ा सा तैयार होने को लगता है, लेडीजों को क्या चाहिए यार, मेकअप करना, तैयार होना, लटके झटके डांस वीडियोस, बस यही तो चाहिए होता है लड़के को, वैसे ही बस वो भी मैंने ही कर लिया, तो मुझे भी यही चाहिए होता है, इसलिए मैं करवा चौथ पे स्पेशली मेहंदी लगवाती हूँ, बहुत अच्छी लगवाती हूँ, जितना हो सके उतना मैं बेस्ट टू बेस्ट करने का सोचती हूँ,
तो ये मेरी मेहंदी है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। और आना अभी मेरे पति खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज खाना बनाया नहीं था, तो अभी वो किचन में है, किचन में खाना बना रहे हैं। और खाने में क्या बना रहा है पता है? हाँ खांसी आ गई, देख लो खाने का नाम लेते ही, सॉरी। हाँ खाने में वो बना रहे हैं हांडवे, और हांडवे का पेस्ट मैंने करके रख दिया था, खाली कढ़ाई में डालना है। वो भी उनसे सही से बनेगा कि नहीं बनेगा क्या पता, देखते चल के क्या कर रहे हैं। देखोगे क्या आप लोग भी? देखो आप लोगों को, चलो लेके चलते हो, आप लोगों को भी दिखाते हो कि क्या कर रहे हैं, कैसा बनाएंगे। चलो नहीं बना के लाएंगे ना, वो अभी थोड़ी देर में हम खाएंगे तब दिखाते हो आप लोगों को कि वो कैसा बना है। वैसे तो वो अच्छा बना ही लेंगे, कभी बनाते तो नहीं है, पर वो बनाएंगे तो मन से बनाएंगे तो अच्छा बना ही लेंगे, खराब तो नहीं बनाएंगे। अगर मैं बोल दूंगी ना खराब बनाएंगे तो दोबारा बनाएंगे नहीं, ऐसे तारीफ करना बहुत जरूरी है। हांडवा बनाया, देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना ऊपर से। ये चावल पतिदेव ने नहीं बनाया, इस सस्पेंस में मत रहना, ये चावल आंटी ने दिया है, उन्होंने खाली ये बनाया। चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसे, पर मैं खाऊंगी कैसे, मैं ऐसे खाऊंगी, ये तो मैं खा नहीं पाऊंगी, तो मैं ये खाती हूँ। चावल जो बहुत टेस्टी है, कड़ी नहीं लाए, अच्छा है चावल। हाँ वही ला दो तुम, तो उसको दो लूंगो तो। और क्या कटोरी तो है वो। और ये देखो पतिदेव का बनाया हुआ, टेस्टी है, लग दो। ये ले रहे हो तुम क्यों? ले लो नहीं, इसलिए तो कह रहा तुम ले लो। मेरे से खाया नहीं जाएगा वो तोड़ के, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे खाऊंगी, इसको मैं ऐसे खाऊंगी। तुम ही खा लेना, ये तो मेहंदी लग रही ना, चम्मच से कैसे खाऊंगी? चम्मच में खाने की चीज है, लाओ तो इधर। बोल दे ना, खिला दे मेरे को, मुंडे से बोल दे। सही बात क्या है, मेरे शादी का टाइम है, जब हर हर इंसान को खिलाना पड़ता है, क्योंकि शादी होती ना तब तो। ये ना एक बार खिलाया अपनी जिंदगी में, जब मेरी शादी हुई थी ना तब, उसके बाद कभी नहीं खिलाया, और आज इनकी मजबूरी हो गई। तो बोल रहा ऐसे बोल ना कि तेरे को खाना है। तू अब कोई से बात मत कर, मेहंदी मान ले। अरे वो मेरी फ्रेंड फोन लगा रही है, ये निकिता दीदी से बात कर रहे हैं, वही जिसने अपन को नंबर दिए ना, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि जाती में भी दोनों। हेलो ऐसे करो, हेलो ऐसे, हेलो आपके घर में नेटवर्क नहीं आता? अरे ऊपर इसने भी कर दिया वो देख। और अब मेरी मेहंदी उतर चुकी है, अभी तक तो ऐसा ही कलर आया, सुबह तक देखते इसका कलर कैसा रहता है। आई होप बहुत अच्छा आने वाला है, आप लोगों को लग ही रहा होगा। तो अब मेहंदी उतर चुकी है, अब खाना भी हमने खा लिया दोनों पति पत्नी ने, और अब हम सोने जा रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहना, करवा चौथ का ब्लॉग जल्दी आएगा तो वो देखना जरूर मिस।